रामायण जिसकी घटनाओं को हुए आज लाखों वर्ष बीत चुके हैं, तब से तमाम वैज्ञानिक रिसर्चेस हुई, ऐतिहासिक शोध हुए, तमाम तर्क दिए गए और इतिहास ना जाने कितने प्रमाणों से भर दिया गया जो कि रामायण काल के हैं। लेकिन फिर भी आज भी रामायण पर सवाल उठाए जाते हैं और सबसे हैरानी की बात यह है, भारत की अपेक्षा विदेशों में रामायण को अधिक सम्मान दिया जाता है। और बात सिर्फ रामायण तक ही नहीं है, रामायण के अलावा महाभारत, भगवद गीता सभी को पूरी तरह से काल्पनिक कह दिया जाता है। मैं कभी मंदिर नहीं गया, 10-10 सिरों वाला रावण बना के क्या किसी 10 सिर वाला आदमी होता है? आखिर कहा भी क्यों ना जाए, जरा सोचिए कि अगर हम इन सबसे संबंधित दिन प्रतिदिन हजारों लाखों और भी प्रमाण ले आए तो क्या ये लोग विश्वास करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो लोग पूरी तरह से सनातन को मिटाने की ही बात कर रहे हैं उनके इरादे क्या हैं या तो इसी बात से ही पता चल जाता है। तो हम उनसे हमारे सनातन ग्रंथों और सनातन घटनाओं के सम्मान की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? खैर, रामायण से जुड़ी घटनाओं के आज असंख्य प्रमाण हमें देखने को मिल जाते हैं जो ये बताते हैं कि रामायण 100% घटना थी और उसमें जो जो घटनाएं हुई वह वैज्ञानिकों के लिए भी एक चुनौती थी। वैज्ञानिक आज भी पता लगा रहे हैं कि आखिर रामायण काल में ऐसी उन्नत वैज्ञानिक तकनीकें कैसे आईं जो आज के विज्ञान से हजार गुना आगे थी और शायद आने वाले हजारों साल में भी विज्ञान उतनी प्रगति ना कर पाए जितनी प्रगति हमें रामायण काल में देखने को मिलती है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंभकर्ण की, कुंभकर्ण के उस अद्भुत वैज्ञानिक ज्ञान की जिससे शायद आप अनजान हैं। क्या है कुंभकर्ण से जुड़ा वह रहस्य जिसने वैज्ञानिकों को हिलाकर रखा है? कैसे कुंभकर्ण था एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक? कैसे कुंभकर्ण ने बनाए थे टेक्नोलॉजी से लैस हजारों अस्त्र शस्त्र? ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे बल्कि प्रमाणों के साथ बताएंगे और वो भी बताएंगे कि वैज्ञानिक कुंभकर्ण को लेकर इतने सीरियस क्यों हैं। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेंद्र। कमेंट में जय श्री राम के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। दोस्तों, ये हैं आशुतोष राणा। शायद आशुतोष राणा को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। ग्रंथ का अर्थ ही होता है जो हमारे मन की ग्रंथि को खोल दे। किताब और ग्रंथ में अंतर है, इसलिए रामचरितमानस हो या महाभारत हो या गीता हो, इनको उपन्यास या किताबों की श्रेणी में नहीं, ग्रंथों की श्रेणी में रखा गया है। इन्होंने अपनी पुस्तक रामराज्य में कुंभकर्ण पर शोध करके कुछ ऐसा लिखा है जो चर्चा का विषय बन गया है। दोस्तों, कुंभकर्ण काफी रोचक और विचित्र कैरेक्टर है जो रावण का सगा भाई है और रावण जैसे प्रकांड विद्वान का भाई होने के बाद भी वह 6 महीने सोता है और 6 महीने जागता है। इसके बारे में आशुतोष राणा अपनी किताब रामराज में लिखते हैं, रावण इस सत्य को जानता और मानता भी था कि रावण यदि मस्तिष्क है तो कुंभकर्ण उसकी भुजा। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कुंभकर्ण आलसी और आमोद प्रमोद में लिप्त इस तरह का व्यक्ति हो जो 6 महीने तक लगातार सोता रहता हो? आशुतोष राणा जो ये बात कहते हैं कि रावण यदि मस्तिष्क था तो कुंभकर्ण उसकी भुजा था, इसको लेकर के हमें प्राचीन साहित्यों में इसी तरह की ही व्याख्या मिलती है जहाँ दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करने वाले बताए गए हैं, दोनों बहुत बलशाली बताए गए हैं। रावण के पास 10 सिर थे तो कुंभकर्ण भी कम नहीं था। ज्यादातर कथाओं में तो कुंभकर्ण का आकार प्रकार इस तरह बताया गया है कि दूसरा कोई उसकी बराबरी तक नहीं कर सकता था। कुंभकर्ण का आकार भी बांसों में नापा गया है, कहा जाता है कि कुंभकर्ण 600 बांस लंबा था। आशुतोष राणा अपनी किताब में लिखते हैं कि जगत में यह किंवदंती व्याप्त हो गई कि कुंभकर्ण की देह 600 बांस लंबी और 100 बांस चौड़ी थी। इसके बारे में आशुतोष राणा कहते हैं कि एक बांस का मतलब पूरे बांस की लंबाई नहीं होती बल्कि 3.25 गज होता है। आशुतोष राणा इतना लिखने के बाद एक तर्क देते हैं जिसमें वह वैज्ञानिक रिसर्चेस और अपना एक अकाट्य तर्क प्रस्तुत करते हैं। आशुतोष लिखते हैं कि कुंभकर्ण विकट योद्धा ही नहीं बल्कि एक महान वैज्ञानिक भी था। रावण के समस्त प्रयोग वैज्ञानिक सूत्रों और अन्य आविष्कारों को मूर्त रूप प्रदान करने का कार्य कुंभकर्ण किया करता था। उसके द्वारा किए जा रहे भीषण वैज्ञानिक आविष्कारों को संसार से गुप्त रखने के लिए रावण ने संपूर्ण जगत में प्रचारित कर दिया था कि उसका भाई वर्ष में 6 मास निद्रा मग्न रहता है
कुंभकर्ण की एकाग्रता अध्ययन उसकी साधना में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा न उत्पन्न हो सके, इसके लिए रावण ने एक राजाज्ञा भी पारित कर दी थी कि कुंभकर्ण की निद्रा में व्यवधान पहुंचाने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाएगा, यानी कोई भी व्यक्ति चाहकर भी कुंभकर्ण के पास नहीं पहुंच सकता था ताकि वह अपने शोधों में लिप्त रह सके। आशुतोष की किताब में रावण के कहने के बाद जब कुंभकर्ण युद्ध में उतरता है तो वह नगर के द्वार से नहीं निकलता बल्कि दीवार लांघ कर बाहर निकलता है। आशुतोष लिखते हैं कि वह मनुष्य जैसे दिखाई देने वाले अत्याधुनिक लौह यंत्र में सवार था। उस यंत्र को देखने पर ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे कोई अत्यंत विशाल पर्वत के आकार वाला लौह मनुष्य धरती पर पैर पटकते हुए चल रहा हो। उसके चलने से धरती में कंपन होता था। वो ये भी लिखते हैं कि वानर सेना द्वारा चलाए जा रहे शूल बाण पत्थर कुंभकर्ण से टकराकर निष्प्रभावी होकर धरती पर गिर रहे थे। हा राम की ध्वनि से पूरा रण क्षेत्र गुंजित हो उठा था। गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में भी कुंभकर्ण के आने पर ऐसा ही युद्ध का वर्णन मिलता है। अब सोचिए, क्या वाकई ऐसे शौर्य और प्रतिभा वाला इंसान 6 महीने तक सोता रहता हो? और यदि कुंभकर्ण को 6 महीने सोने का वरदान था तो आखिर उसे बीच निद्रा में कैसे उठाया जा सकता है? जब किसी व्यक्ति को कोई वरदान मिला है तो इस वरदान में कोई भी बाधा नहीं उत्पन्न की जा सकती। लेकिन कहा ऐसा जाता है कि कुंभकर्ण को बीच निद्रा में उठाया गया था, यह भी अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। इसके अलावा इंडोनेशिया जहां इस्लाम धर्म के अनुयायी रामायण ग्रंथ की पूजा करते हैं, जहां का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है, और इंडोनेशियाई रामायण में जिसका नाम काकविन रामायण है जिसको स्थानीय मुस्लिमों द्वारा मंचन भी किया जाता है, इसमें यह लिखित है कि त्रेता युग में दानवों ने विज्ञान के कई आविष्कार पहले से ही कर लिए थे। वे दूरभाष के ज्ञाता थे, इसीलिए जब इन्हें पकड़ा जाता था तो इनकी पहली सजा के तौर पर इनके कान काटे जाते थे ताकि ये केंद्र से संपर्क में ना रहे। सूर्पनखा पर पहला यह प्रयोग हुआ था। इस यंत्र का शोधकर्ता रावण का भाई कुंभकर्ण था, यानी इंडोनेशियाई रामायण में दूरभाष का आविष्कार करता कुंभकर्ण को बताया गया। नए वैज्ञानिक शोधों में यह अनुमान लगाया गया है कि कुंभकर्ण वास्तव में बेहद बड़े प्रयोगों पर काम कर रहा था। इस शोध के लिए उसने अनजान जगह पर एक प्रयोगशाला भी बना रखी थी। वहां वह साल के 6 महीने गुजारा करता था। इस दौरान वह आम जनता की नजरों से ओझल रहता था। शोधकर्ताओं के अनुसार उसकी प्रयोगशाला किष्किंधा के दक्षिण में किसी गुफा में थी। यहाँ लंका के सबसे महत्वपूर्ण शोधों को अंजाम दिया जाता था। शास्त्रों पर शोध करने वाले विद्वान बताते हैं कि रावण द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कई दिव्यास्त्रों को कुंभकर्ण ने ही विकसित किया था, और इसके अलावा कुंभकर्ण ने कई तरह के विमानों का भी विकास किया था। कुछ सिद्धांतकार यह भी कहते हैं कि कुंभकर्ण का असली ठिकाना लैटिन अमेरिका के किसी देश में भी था, जहां से वह आने जाने के लिए स्वयं अपने द्वारा विकसित विमान का प्रयोग करता था। रामायण में हमें यह भी उल्लेख मिलता है कि जब कुंभकर्ण अपने शस्त्रों के साथ युद्ध भूमि में उतरा था तो उसने महापराक्रमी भगवान हनुमान को भी घायल कर दिया था। उसको देखकर पूरी सेना में हाहाकार मच गया था। हालांकि अलग अलग भाषाओं में अलग अलग स्थानों में लिखी गई रामायणों में, जिसे वाल्मीकि रामायण, कंब रामायण, अध्यात्म रामायण, गाथा राम रावण में तथ्यों के आधार पर कुंभकर्ण की उपलब्धियों का विस्तृत वर्णन मिलता है, जिसमें कहा जाता है कि कुंभकर्ण शुरू से ही सात्विक विचारों वाला कट्टर शिव भक्त था और शिवजी ने उसे अनेकों सिद्धियां भी प्रदान की हुई थी। इसके अलावा महर्षि भरद्वाज ने उसे निद्रा पर काबू करने का रहस्य भी बताया हुआ था, जिससे वह दिन रात अपने वैज्ञानिक प्रयोगों में जुटा रहता था। उसने अपने बलबूते पर तरह तरह के अंतरिक्ष यान, अतिशय तेज गति से चलने वाले रथ, भयंकर क्षमता वाले अस्त्र शस्त्रों का आविष्कार करके लंका की सेना को अजेय बना दिया था। इतना नहीं, इसके साथ साथ उसने सैकड़ों विद्यार्थियों को निपुण बनाने के लिए कई प्रयोगशालाएं अपनी देख रेख में संचालित कर रखी थी। एक बार दोनों भाइयों ने भगवान शिव को आमंत्रित करके अपने सारे संस्थान और प्रयोगशालाएं भी दिखाई थी, जिससे खुश होकर उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया था, पर साथ ही यह आदेश भी दिया था कि इन सारी उपलब्धियों का सदुपयोग धरती के जीवों की भलाई के लिए ही किया जाए, इसी में जगत की भलाई है। इसके अलावा रामायण और रावण की लंका पर तमाम ऐसे वैज्ञानिक शोध हुए और जिनमें जो चीजें निकली वो वाकई में काफी हैरान कर देने वाली थी।
अगर हम उन सभी प्रमाणों के बारे में बात करेंगे तो शायद यह वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बारे में हम कोशिश करेंगे पार्ट 2 लाने की, जिसमें हम रावण के लंका के सभी वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी से लैस उपकरणों पर बात करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।